हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शब्बीर। आ गया हूं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। तो आज मैं इसके अंदर का पूरा व्यू दिखाने वाला हूं। तो गाइस, मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं इसके अंदर के हर एक चीज़ को बारीकी से बताने वाला हूं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं आराम से। इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना है, मैं उसको भी दिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर क्या क्या काम हो गया और क्या क्या काम बचा हुआ है, सबको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, मेरे साथ वीडियो में बने रहें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको सीसी बिल्डिंग बोलते हैं, यानी कन्वेंशन सेंटर। ये आपको दिख रहा होगा जाली टाइप का जो ऊपर में लगा हुआ है, ये डिस्प्ले लगा हुआ है इसमें, यानी कि पूरा लाइट जलेगा और इसके अंदर जो चाहे लिख सकते हैं, जिसका चाहे पिक्चर लगा सकते हैं, फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ये डिस्प्ले लगा हुआ है, आप तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये सामने का व्यू है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल सामने का, कुछ इस तरीके का व्यू है। सीढ़ी है सारे चारों तरफ, स्टोर कैश है, आप देख सकते हैं। और इसका काम बहुत तेज़ी से चालू है, एक साल के अंदर में ये कंप्लीट होने वाला है। 80% इसका काम हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर जाने वाला हूँ और अंदर जाकर मैं इसके अंदर का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं सेकंड फ्लोर पर आ गया हूँ। ये सेकंड फ्लोर है और इसके ऊपर का कुछ इस तरीके का व्यू है। इसका फोर सीलिंग वगैरह भी हो गया, लाइट वगैरह भी लग गया है। मैं इसके अंदर जाऊँगा, पूरा दिखाऊँगा। लेकिन इसके ऊपर से देखिए कैसा दिखता है ये नीचे का पूरा व्यू, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है इसके नीचे से। आप देख, इसके ऊपर से देख रहे हैं कैसा दिख रहा है पूरा। गाइज, आप इसके ऊपर से देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है। और इसके सामने आप देखेंगे एक ब्रिज बन रही है, द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से ये ब्रिज है। चारों साइड में इसकी बन रही है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। और मैं IICC का पूरा वीडियो बनाकर आपको दिखाता हूँ, और एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। और इसके अंदर का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, ये लगभग 2 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अंदर बहुत काम हो गया है, तो मैं पूरा व्यू दिखा दूँगा आपके अंदर आपको कि क्या क्या यहाँ काम हो गया, क्या क्या काम बाकी है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं इस साइड में जो है बन रहा है ऊंचा टाइप का, उधर पीछे पैनल लगना है, इसमें पैनल लगेगा। और इधर एक गार्डन टाइप का रहेगा, इसलिए इसको बनाया गया। और यहाँ से आप देखिएगा एक सीढ़ी है जो ऊपर जा रही है 4 फ्लोर पे, तो वहाँ भी आपको ले चलते हैं, वहाँ का भी दिखाते हैं, उसके बाद पूरा अंदर का भी व्यू दिखाते हैं आपको। दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या कहाँ बन रहा है, मोदी जी क्या क्या बनवा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ और कहाँ क्या क्या बन रहा है मैं सब चीज़ दिखाता रहता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इतना करीब आ गया हूँ इसके, यानी कि जहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है मैं वहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ इसके ऊपर चढ़कर। और यहाँ ग्लास वगैरह लग गया है, बहुत काम हो गया है, ऐसे कोई भी नहीं वीडियो बनाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा भाई। और मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊँगा, Part 2 भी लाऊँगा इसकी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पूरा हर एक चीज़ यहाँ कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, सब दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ 4 सीलिंग हो गया है, बहुत काम तेज़ी से चल रहा है, इधर हो रहा है काम। और यहाँ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गाइस वीडियो अलाउ नहीं है, मैं छुप छुप कर बना रहा हूँ आपके खातिर। आप लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो बनाइए सीसी बिल्डिंग की, तो इसलिए बना रहा हूँ। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये मैं 4 फ्लोर पे आया हूँ, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 4 सीलिंग वगैरह हो रही है। ये देख कितना खूबसूरत है, वाह क्या कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। और पूरा में होने वाला है, बहुत बड़ा एक हॉल है, ये भी एक तरह का मीटिंग हॉल रहेगा। और इसके अंदर जो है एक 10,000 के बैठने वाला संस्था जो ऑडिटोरियम है, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। अगर वो भी देखना है तो मेरे वीडियो में एकदम बने रहे गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, मैं हर एक चीज़ को यहाँ का दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 4 सीलिंग जो कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना बड़ा है हॉल है, ये एक ऑडिटोरियम ही है, कॉन्फ्रेंस रूम है। तो इसमें ये देख सकते हैं इसके साइड में भी ऐसा है, ये रूम सब छोटा छोटा बना हुआ है। तो गाइस, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है हमारे देश में।
तो दोस्तों मैं यहाँ डिस्प्ले जहाँ लगाया है वहाँ आ गया हूँ आपके लिए। इतना मैं रिक्स उठा रहा हूँ, यहाँ देखिए स्टेज स्टील का पूरा फ्रैक्चर है, इतना खतरनाक जगह है। मैं इस जगह आया हूँ आपके लिए आया हूँ गाइस, कि आपको कुछ दिखा दूँ। आप लोगों ने कमेंट किया तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, इसके अंदर का पूरा व्यू दिखाऊँगा। ये इसमें 8 माले तक है, मैं ऊपर भी जाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से जाकर दिखाऊँगा। फोर सीलिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ फोर सीलिंग हो गया है तो ऐसा दिख रहा है। ये 3rd फ्लोर का है तो बहुत काम हो गया है। सब में लाइट है इसके अंदर, ये सब लाइट जलेगी तो बहुत ज़्यादा ही चमकेगा ये। और इधर जो ये खाली जगह दिख रही है, ये सब इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की जगह है। 7 किलोमीटर का एरिया है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जगह होगा। और इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तक शायद काम है, लेकिन अभी फेज़ 1 का काम चल रहा है, उसके बाद कहीं फेज़ 2 चालू होगा। और दोस्तों मैं इस साइड पीछे बैक साइड में आया हूँ तो इधर देखिएगा आप, इसके बगल में हॉल 2 है। ये हॉल 2 का मैं वीडियो बना चुका हूँ और हॉल 1 का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेस्टमैन का भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्द। इधर देखिए, यहाँ इधर भी डिस्प्ले लग गया है, आपको दिख रहा होगा। ये गेट जो है दोनों तरफ बंद हो सकता है, खुल सकता है, आप ऐसे चाहें जैसे भी। ये देखिए घूमने वाला है, किधर से भी इसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये बहुत मस्त टेक्नोलॉजी यहाँ लॉन्च किया है। और ये इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम बोल दीजिए। ये देखिए इसके अंदर कितना खूबसूरत बना गया, लाइट इसके अंदर लगाया गया है, सब जो दिख रहा है सब लाइट है, सब जलेगा तो बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। तो दोस्तों ये यही वो ऑडिटोरियम है जिसमें 10,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप कुर्सी लगाई जाएगी, चेयर लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। और इसके ऊपर ये देखिए 4 सीलिंग हो रही है और बहुत से काम हो रहा है, देख सकते हैं बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है गाइस। अभी इसके अंदर बहुत काम होना है, फोल्डिंग वगैरह लगी हुई है, इसलिए पूरा क्लीन नहीं दिख रहा होगा आपको। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत 4 सीलिंग हो रहा है, ऐसा ही पूरा ऑडिटोरियम में होना है। और गाइस मैं इसकी वीडियो बनाने के बाद मैं बहुत ही जल्द बेस्टमैन की गाइस वीडियो बनाने वाला हूँ, बेस्टमैन की वीडियो अपलोड करने वाला, बहुत बड़ा बेस्टमैन है, 4-4 बेस्टमैन 16-17 बेस्टमैन बने हुए हैं, तो मैं सबकी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर का जो है ना काम मुकम्मल हो गया है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। आपको दिखा रहे हैं अंदर, यहाँ ग्लास लगा हुआ है, मैं इसके बाहर से दिखा रहा हूँ, पूरा काम ओके हो गया है इसके अंदर, 4 सीलिंग वगैरह लाइट वगैरह सब कुछ लग गया है, इसलिए किसी को जाने का इजाज़त नहीं, पूरा रास्ता इसका बंद कर दिया गया है। इसी तरह के जितने भी काम होते रहेंगे सबको बंद कर दिया जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको जो भी काम यानी कि अंदर था इसका हो गया है, यहाँ 4 सीलिंग लग रही है। ये काम अभी हो रहा है, बाकी अंदर जो काम था वो ग्राउंड फ्लोर का हो गया है। मैं ऑडिटोरियम के 1st फ्लोर पर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं, तो यानी कि बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। 3rd फ्लोर तक का यानी कि ऑडिटोरियम है, खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हो गया ऑडिटोरियम। 10,000 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है ये हॉल है। और इसमें काम हो रहे हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत काम बाकी है, 4 सीलिंग वगैरह लाइट वगैरह सब कुछ बाकी है। इस काम को जो है मोदी गवर्नमेंट द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि मोदी सरकार इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 26,000 करोड़ की लागत से इसको बनवाया जा रहा है और इसको कॉन्ट्रैक्ट जो किया है L&T कंपनी ने किया है। L&T यहाँ का आप देखेंगे तो 80% यानी कि 80% काम हो गया है, और जो तकरीबन 20% काम बचा है वो भी यानी कि बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है। उम्मीद है कि बहुत जल्द काम हो जाएगा क्योंकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, यहाँ वर्क बहुत ज़्यादा है। बिल्डिंग के 2nd फ्लोर तक आप गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं,
यानी कि जिनको जाने का अलाव रहेगा वो गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ रैंप बना हुआ है, इसके ज़रिए आदमी आराम से वहाँ सेकेंड फ्लोर तक गाड़ी लेकर जा सकता है। और इस साइड से देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है गाइस। और इधर जो है पैनल लगेगा, पर्दा टाइप का लगेगा, तो गाइस आपको वहाँ दिख रहा होगा लास्ट में वहाँ पर्दा लग रहा है, तो वहाँ करीब से भी जाकर आपको दिखाऊंगा कैसे पर्दा लगा। वैसा ही पूरा में यहाँ से वहाँ तक लगना है, तो वो भी काम चल रहा है, वो भी काम होने वाला है। और इधर ये देखिए इस तरीके का बना है, इसके ऊपर ग्लास वगैरह लगेगा, तो ये और ख़ूबसूरत बना देता है इस जगह को। इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता है गाइस। और इसके साइड साइड जो एक्सप्रेस वे ब्रिज बन रही है, द्वारका एक्सप्रेस वे, उसकी वजह से और ये जगह खूबसूरत बन जा रहा है। और ये अपने आप में तो एक ऐसे ही खूबसूरत है, कन्वेंशन सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसकी चर्चा अभी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे देश में ये सब हो रहा है, हाई लेवल पर ये काम हो रहा है, और नई नई टेक्नोलॉजी को इस जगह पर लॉन्च किया गया है, लाया गया, नए नए चीज़ों को यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा दिखता है गाइस। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आकर विज़िट कीजिए। अगर आप नई दिल्ली से आना चाहते हैं तो एयरपोर्ट लाइन पकड़कर सीधा द्वारका सेक्टर 21 आइए, मेट्रो पकड़कर, और यहाँ आप IICC किसी को भी बोलिएगा, 3 नंबर गेट, L&T 3 नंबर गेट, तो आपको लाकर यहाँ उतार देगा। इधर भी देखिए दोस्तों, इधर भी ग्लास वगैरह लग गया है, और इसमें पैनल लगेगा, इधर पर्दा लगेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर्दा लग रहा है, इसी तरीके का पूरे में पर्दा लग जाएगा यहाँ से वहाँ तक। तो गाइस मैंने CC बिल्डिंग की पूरी वीडियो दिखा दिया है, और जो भी काम हुआ था मैंने दिखा दिया, और बहुत से काम हो गया है तो जगह जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बंद कर दिया गया है, रास्ता ही बंद है, तो कहाँ से आदमी जाएगा और कहाँ से दिखाएगा आपको। लेकिन यहाँ बहुत काम हो गया है। और वीडियो अगर देखने में अच्छा लगा हो, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइए, वीडियो कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बेसमेंट की डालने वाला हूँ, और यहाँ Hall 1 बने हुए उसकी भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए को वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे हौसला मिलेगा। चलिए गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।